सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुष्टास्ति जैनं जयतुष्टास्ति। सदाचार वाला पाठ आज अपने को चालू करना है। ये बिल्कुल सामान्य जैनियों का सदाचार है। वैसे तो अपने को सबको मालूम है कि क्या है सदाचार, बात इसकी पालन करने की है, क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो इसका पालन करने के लिए पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहली चीज़ है कि जैनी की पहचान के चिन्ह क्या क्या है। ज्ञानानंद शावकाचार्य में जैनी की पहचान के 3 चिन्ह कहे हैं। वहाँ कहा है कि जैन पुरुषनी की पहचान के 3 चिन्ह हैं। एक तो रात्रि भोजन न करे, दूजा पानी छान कर पीवे और तीजा प्रतिदिन देव दर्शन करे। अब आगे की सुनना, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक तो। आगे कहते हैं या में सो एक में भी कसर होए, कसर मतलब समझते ना, कमी होए, तो जैनी नाही शूद्र सादृश है। शूद्र मालूम किसे कहते हैं? या में सो एक में भी कसर होए माने एक की भी कमी होए तो वह जैनी नहीं है, शूद्र के समान है। शूद्र नहीं बोल सकते अपन उसको, लड़ने आ जाएगा वो। शूद्र के समान है मतलब जैसे शूद्रों में धर्म कर्म का कोई विवेक नहीं होता, क्या करने योग्य क्या नहीं करने योग्य इन बातों का विवेक नहीं होता, ठीक उसी प्रकार इसे भी ये विवेक नहीं है कि कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पानी पीना चाहिए तो कैसा पीना चाहिए, इन बातों का जिसे विवेक नहीं है तो वो शूद्र है। भले ही वो जिन कुल में उत्पन्न हुआ हो, लेकिन जैन कुल में उत्पन्न होने मात्र से कोई जैन नहीं हो जाता। जैन दर्शन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कि जैन धर्म का पालन करने से जैन बना होता है, जैन कुल में पैदा होने से जैन बना नहीं होता। जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को माने, उनके बताए रास्ते पर चले, वो जैन हैं। जिनकी आज्ञा को माने सो जैन, जिन माने जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानने वाला जैन है। जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को नहीं मानता तो जैन नहीं। मैं तो इतना तक कहता हूँ कि भले जिनेंद्र भगवान की खूब पूजा भक्ति करता हो, क्या खूब अभिषेक करता, खूब जलधारा डालू, लेकिन उनकी एक नहीं माने, उनकी सुना ही नहीं वो क्या कहना चाहते, उनकी वाणी का रस नहीं है, उनकी भक्ति का रस है, तो कहते हैं ये सच्चा जैन नहीं है। सच्चे जैन को तो जितना उनकी भक्ति में रस होगा उतना ही रस उनकी वाणी सुनने में भी होगा। हमें यदि किसी की महिमा होगी तो हम क्या उसकी वाणी को अत्यंत आदरपूर्वक प्रेमपूर्वक नहीं सुनेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे। क्या मैंने उसकी बात तो हम बिल्कुल सर माथे रखेंगे, क्या नीचे नहीं उतरने देंगे। वो एक शब्द कहे उस एक शब्द को झेलने के लिए हम तैयार रहेंगे। तो हमें उस व्यक्ति की कुछ महिमा है, और यदि वो कहता रहे कहने से क्या है इनके, क्या मैं तो इनकी सेवा करूँगा बाकी इनकी मानूंगा कुछ नहीं, इनकी सुनूंगा ही नहीं। मैं तो सुनना तो ही नहीं धर्म है, इनकी सेवा करना धर्म है। जैसे कोई अपने पिताजी को ज़बरदस्ती बिठा के उनकी भक्ति तो करे, क्या ओम जय रेमचंद देवाय करते हैं और पिताजी के भैया 2 मिनट शांति से मेरी बात सुन ले, तो पहले कि तुम चुपचाप रहे, तुमसे कहा ना बैठे रहे यहाँ पे शांति से, मैं आरती उतार रहे ना, और क्या कर रहे तुम्हारा, और क्या करें, और तुम्हारी कितनी आज्ञा है, और तुम्हारी कितनी सेवा करें। तो वो कह देंगे पिताजी की ये बहुत बेटा जो है बिगड़ चुका है, मेरी एक बात नहीं सुनता, मेरे को कहने ही नहीं देता, मेरी बात ही नहीं कहने देता है तो, और बस जब हो तो ले आएगा आरती और जल बिठा के करने लग जाएगा झंझट माता। अरे भाई ये सब का प्रयोजन तो ये है कि तू हमारी बात को सुन। वास्तव में भक्ति जो है जिसको उनकी वाणी में रस होता है उसको आती है सच्ची, बाकी तो सब कुल क्रमागत भक्ति है। कुल क्रमागत मतलब चूँकि हम जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं इसलिए महावीर को पूछ रहे हैं। यदि हम हिंदू क्या पैदा होते तो हम किशन जी को पूछते, क्या मुसलमान क्या होता था हम खुदा को पूछते। हमने अपनी बुद्धि से धर्म स्वीकार नहीं किया है, हमने अपने कुल से धर्म स्वीकार किया है। और जो कुल से धर्म को मानता है उसको धर्म के संस्कार जैन धर्म तो कभी उसके 3 काल में आ नहीं सकते, क्योंकि ये धर्म समझने का है, यहाँ पूरा विवेक की चीज़ है, हर चीज़ में लॉजिक है कि ऐसा इसलिए किया जाता है, हम जैन है इसलिए ऐसा नहीं किया जाता है। कई बच्चे, एक बच्चे से प्रश्न किया कि भैया तू रात्रि भोजन क्यों नहीं करता, बोले बिकॉज वी आर जैन्स। ये क्या आंसर हुआ? बच्चे लोगों को समझा देते, यहाँ तो कम है, अमेरिका वगैरह में तो बच्चों को यही बेटा कि अपन जैन है इसलिए अपन नहीं खाते। लेकिन ये कोई बात थोड़ी नहीं कि हम जैन है इसलिए नहीं खाते, चूँकि ये नहीं खाना चाहिए इसलिए हम नहीं खाते। हम वो काम करते हैं जो सत्य है, जो हमारे लिए हितकारी है। हम जैन है इसके लिए वो काम नहीं करते, जो हितकारी है उसे जैन करना है। जो हितकारी है, जो हितकारी आचरण है वो सब जैन का आचरण है, और जो हितकारी नहीं है वो जैन का आचरण नहीं है, ये अपने हित के लिए। तो इसलिए अपन ये नहीं करते कि चूँकि हम जैन हैं, चूँकि ये हमारे लिए हितकारी है इसलिए। तो सबसे पहली बात तो वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को माने कि क्या है जैन धर्म, है क्या जैन धर्म का झंडा लेने के पहले सबसे पहले उसे पता हो कि जैन धर्म कहते किसे है, जैन धर्म किसका नाम है, और जैनी की पहचान के 3 चिन्ह क्या है। मैं तो कहता हूँ आज यदि अपन ये इस क्राइटेरिया पे यदि अपन लोगों को कसे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस पर 90% भी खड़े उतरने वाले नहीं हैं, 90%। वो भी मैंने 90% भी मतलब बहुत अच्छा नंबर दिया, और ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होगा। तीनों चीज़ें, क्योंकि एक एक चीज़ कोई सामान्य चीज़ नहीं। अनछने पानी का त्याग, अनछने पानी के त्याग में सारे बाजार की चीज़ों का त्याग आ जाता, क्योंकि बाजार की कोई भी चीज़ छने जल से नहीं बनती, अनछने जल से। अपन इस स्तर पर नहीं भी कर पाए खैर, लेकिन मोटा मोटा कम से कम पानी पिए और छान के पिए, वो भी बहुत कम है कि जो भी पानी पिएंगे छान के पिएंगे। अब तो बिस्लरी का आता है तो लोग कहें कि ये क्या पी रहे हैं, क्या ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो बिस्लरी का है आरोड़ है, आरोड़ की आरोड़, उसमें जीव रक्षा का प्रयोजन नहीं है ना। जीव मार के उसको निकाल लो पानी को, चाहे जीवन को मुंह में पी जाओ, इतना है कि मुंह में पियोगे तो तुम्हारे कीटाणु होंगे, और मार के पियोगे तो तुमको नहीं होंगे, लेकिन उसकी रक्षा नहीं होगी, समझ ना। तो ये यहाँ पे 3 चीज़ें कही है। ये देखो अब ये स्थूल रूप ही लेना। अब वो अनछने पानी की जो अपन ने बात कही कि अनछने पानी का त्याग, पूरी तरह से त्याग तो खैर देखो बाजार में कर ही नहीं सकता, लेकिन कम से कम स्थूल बने इतना भी करे कि जो पानी पिए वो पानी कम से कम छान के पिए। और छानने का मतलब क्या है, प्लास्टिक की छन्नी का छना हुआ पानी। पहले दूध भी कपड़े से छनता था, अपन ने इतनी तरक्की कर ली कि अब पानी भी प्लास्टिक से छनने लगे। तो देख क्या चीज़ें हैं ये पुरुष के 3 चिन्ह कौन कौन से हैं। एक तो रात्रि भोजन का त्याग करे, दूसरा पानी छान के पिए, और तीसरा प्रतिदिन देव दर्शन करे। पुराने जमाने में जैनी की पहचान कोई भी व्यक्ति उससे जान लिया जाता। एक बार क्या हुआ, कुछ सज्जन यात्रा के लिए निकले, तो यात्रा के लिए निकले तो उस समय ब्रिटिशर्स का ज़माना था, अंग्रेजों का राज था। अब बैलगाड़ियाँ से यात्रा होती थी, तो बैलगाड़ी से यात्रा करने के लिए निकले, तो एक आदमी पीछे बैलगाड़ी में सो रहा था, और सोते सोते वो गिर पड़ा, और उसका जो भी हुआ कुछ पता नहीं चला उसका। आगे चल के उसके परिवार वालों ने देखा कि वो नहीं है, तो उन्होंने पुलिस में उसकी रिपोर्ट कर दी। तो उस समय अंग्रेज गवर्नमेंट थी, उनको लगा कि कौन है इनका मुखिया, पकड़ के लाओ उसको। मुखिया बोले क्या, बोले मुखिया ने जरूर कुछ ना कुछ किया है, और उसके ऊपर केस जारी हो गया। अब केस जारी हुआ तो उसको अदालत में बुलाया, तो सब सारी दलीलें चल रही थी इधर उधर। इतने में उसको प्यास लगी, तो उसने कहा कि भाई मेरे को पानी चाहिए, तो पानी लाया गया उसको। तो पानी लाया तो वो उसने अपना खुद का एक लोटा निकाला, कपड़ा निकाला और उसमें छान के पीने लगा। तो जैन ने पूछा क्या कर रहे हो तुम? तो उसने कहा साहब इसमें जीव है और वो जीव न मरे इसके लिए मैं पानी छान के पीना। तो इतने में तो उसने उसके पक्ष में फैसला सुना दिया कि जिस आदमी को इतने जीव की परवाह है वो आदमी एक आदमी को ही मार दे, ये मेरे बगल निकले बात नहीं होता। ये सच्ची घटना है, मैंने सरमती संदेश पढ़ी थी बहुत समय। क्या तो ये पहचान थी अपनी, मैंने जैनी की पहचान कि जैनी है तो रात को नहीं खाएगा और जैनी कहने लग जाए नहीं अपने को सब चलता है। मैंने तुम्हारी पहचान ही इससे होगी, इस बात से कि यदि तुमने नहीं खाया, तुम दिन को खा रहे हो तो कोई भी होगा, अरे मैं कहता हूँ इस देश वाला ही नहीं कोई प्रदेश वाला भी होगा वो समझ जाएगा कि आदमी जैनी। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में जो जापान वाले लोग हैं उनको ही मालूम है जैन लोग अंडरग्राउंड वेजिटेबल नहीं खाते, रात को नहीं खाते, जो दर्शन वगैरह पढ़ते हैं ना ये लोग, उनको पता है दर्शन वालों। हमारे कॉलेज में एक लड़की थी तो मैं शाम को भोजन करता था तो उसने मुझसे पूछा कि अभी तो टाइम हुई नहीं, फिर मैंने उसको बताया, फिर उसने खुद ने पूछा चल के कि आर यू जैन, फिर उसने सारी चीज़ बताई कि जैन लोग क्या क्या नहीं करते तो उसको सुन के मुझे लगा कि ये इसने थ्योरी तो अच्छी पढ़ रखी है लेकिन प्रैक्टिकल इसने स्थिति नहीं देख रही। अच्छा तो ये अपनी पहचान थी और अपन अपनी पहचान को कितना कायम रख रहे हैं एक अलग बात है। और प्रतिदिन देव दर्शन करना, अब देव दर्शन कब करना? प्रतिदिन शाम के टाइम पे, क्योंकि वही टाइम पे समय मिलता है। बच्चों को आजकल स्कूल के अंदर मतलब सुबह तो बोले स्कूल जाते हैं तो रात को उनको टाइम मिल जाता है तो इसलिए मंदिर भेज देते रात को। मतलब मंदिर तो तब भेजेंगे जब टाइम मिलता है और स्कूल के लिए टाइम मिलता है नहीं। ये तो प्रातःकाल बिना मंदिर जाए बिना भोजन नहीं करना। अनेक लोग तो पानी तक नहीं पीते हैं, पानी ना सही लेकिन कम से कम इतना नियम हो कि मंदिर के बिना हम भोजन ग्रहण नहीं करें। अब ये तीन चिन्ह क्यों हैं अपने, इसमें क्या दोष है? यदि हम रात्रि भोजन करते हैं तो उसमें क्या दोष है उनकी बात की है। दो प्रकार के दोष है, एक तो है इसमें द्रव्य हिंसा और दूसरी है भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा का मतलब है कि इसमें अनेक जीवों की हिंसा होती है, रात के अंदर अनेक जीवों की हिंसा होती है। एक कहानी आपने पढ़ी होगी कि एक गांव के अंदर एक बारात आई थी और उस बारात के अंदर रात्रि को भोजन बन रहा था और रात्रि को ही खा रहे थे लोग। कुछ लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम जैन हैं, हम रात को नहीं खाएंगे, रात का बना हुआ नहीं खाएंगे। सब लोगों ने बड़ी हंसी उड़ी, बोले लोग सीधे यहाँ से स्वर्ग जाएंगे यहाँ से। अब क्या हुआ कि रात के अंदर अंधेरे में एक छिपकली गिर गई उसमें और उसी की भी सब्जी बन गई। सब ने खाया और खाया और खाते बीमार पड़ने लगे, अस्पताल पहुँचाने की तैयारी हुई, कुछ तो मर भी गए वहीं और जो बचे उनको जो थोड़े बहुत बचे थे उनकी कृपा से कुछ बच पाए वो भी खा लेते होते तो वहाँ बचते ही कौन उनको ले जाने वाला। तो जो दूसरों को स्वर्ग भेज रहे थे खुद ही स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगे। बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत को बचाया जा सका और बाकी कई लोगों ने प्राण। तो ये घटना अपन आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, कहीं क्या गिर गया कहीं क्या गिर गया, बड़े बड़े जानवर गिर जाते हैं। रात के अंदर अपन बना रहे हैं, अभी थोड़ी सी नज़र गई और गिर गया उसको। अब रात के अंदर दिखता तो है नहीं कि क्या क्या है। दूसरी बात कि ये जितने भी निशाचर जीव है सब रात को निकलते हैं। छिपकली कब निकलती है? रात को। मच्छर कब होते हैं? रात को। छोटे छोटे कीड़े सब डांस पतंगे ये सब लाइट के निमित्त से आते हैं और ये सब भोजन में आके पड़ते हैं। इसलिए रात का भोजन तो मांस के समान था। रात्रि में जो भोजन करता है मानो वो मांस खाता है, क्योंकि जितनी मांस में हिंसा है वैसी हिंसा है। असंख्यात जीवों का घात होता है। बड़े बड़े जब छिपकली जैसे जीव मर जाए छोटे छोटे की क्या पूछना। कई लोग कहते हैं कि पहले के ज़माने में लाइटें नहीं थी, अब लाइट हो गई है तो इसलिए अब इससे हिंसा नहीं होती। तो भले आदमी को और हिंसा होती है क्योंकि लाइट के निमित्त से कितने जीव आते हैं। जब प्रकाश जलाओगे तो प्रकाश को देखने के लिए दूर दूर से जीव आते हैं और सब भोजन में आके पड़ते हैं। और प्रकाश नहीं जलाओगे तो बड़ा जीव, उसमें बड़ा जीव मर जाएगा तो पता नहीं चलेगा, है ना। दोनों तरफ से हिंसा है। रात्रि भोजन से, रात्रि भोजन में हिंसा को किसी भी तरह से टाला ही नहीं जा सकता। नियम से हिंसा, सूर्य के प्रकाश में जीवों की उत्पत्ति नहीं होती और रात्रि के अंदर जीवों की बहुतायत से उत्पत्ति होती है और सारे जीव भी रात को खाने निकलते हैं। कसाली, मच्छर, पतंगे सब रात को। अगर हम दिन में घर में बैठे कोई मच्छर नहीं काटता, रात को सब काटने लगते हैं। इसलिए रात के अंदर विशेष जीव उत्पत्ति होती है और बहुत सारे जीव रात को ही गमन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रात को सूझता, उनकी आंखों की कुछ शक्ति ऐसी होती है कि वो अंधेरे में देख सकते हैं, इसलिए वो निकलते ही रात को खाने। और अब अन्न के अंदर अंदर घुसेंगे जानवर, कुछ भी भूख लगेगी तो क्या करेगा, जाएगा उसके अंदर। रात का भोजन उन जीवों की मजबूरी है जिन जीवों को दिन में दिखाई नहीं देता। जैसे शेर है तो शेर की मजबूरी है कि शेर को अंधेरे में अच्छे से दिखता है, प्रकाश में नहीं दिखता। चमगादड़, उल्लू, इन लोगों को अंधेरे में दिखता है, प्रकाश में नहीं दिखता। प्रकाश के परमाणु इनके लिए देखने में बाधक है और अंधकार के परमाणु साधक है, इसलिए इनकी तो मजबूरी समझ में आती है कि ये इसलिए रात को निकलते हैं। लेकिन हमें कब दिखता है? अपने को दिन में दिखता है, रात को तो नहीं दिखता ना। रात को देखने के लिए लाइट जलानी पड़ती है और सूर्य के प्रकाश में सहज रूप से दिखता है। हमारा जो स्वाभाविक भोजन है वो दिन का है, सूर्य के प्रकाश में भोजन हमारा स्वाभाविक है और ये कृत्रिम प्रकाश का जो भोजन है ये अस्वाभाविक है और अंधेरे का भोजन तो बिल्कुल ही अस्वाभाविक है। और क्या है, देखो इसमें कहा है कि जिसके घर में रात को चूल्हा जलता है, समझ लो कि उसके घर में शमशान घंटा चलता है। मतलब रात को भोजन खाने में तो हिंसा है ही, न केवल भोजन करने में हिंसा है, अभी तो बनाने में उससे भी ज़्यादा हिंसा है। क्योंकि बनाने में तो अग्नि जलाते हैं, आटा गूंथते हैं, आटा रखते हैं, वो सारे भोजन के अंदर भयंकर जीव आते हैं। वो सारा धर्म कर्म उनके घरों में नहीं होता। जिन घरों में रात को चूल्हा जलता है वो कभी उस समय मंदिर में कैसे आएंगे? जब उनके घर में चूल्हा चौका होता रहेगा तो मंदिर के लिए समय कैसे मिलेगा? यदि इस समय कोई खाना बना रही होगी महिला और वही समय स्वाध्याय का, तो एक ही काम हो सकता है, वही खाने का समय है और यहाँ आने का टाइम। अब वो आए 9 बजे तक, उसका समझ लो खाना वाना पति को करा के आए 9-10 बजे तक तो मंदिर के तार लग जाए। तो धर्म कर्म तो वो दूर की बात है ना, उसके जीवन में धर्म प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। कदाचित कोई भाग्य से आ भी जाए, लेकिन फिर भी उसको अवसर मिलना ही दुष्कर है कि जिसके कारण वो समझ सके कि भाई मूल अपने हित की बात क्या है। और ये कहते हैं कि शमशान से, मतलब शमशान घट्टे में कौन मरते हैं, किसको जलाते हैं? शमशान मुर्दों को। और ये शमशान से भी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ तो चूल्हे में जिंदा जीवों को होम दिया जाता है। चूल्हे में छिप छिप के बैठे थे, वो सोचते हैं हमारे लिए जगह मिल गई छिपने की, और ये फटाक से चूल्हा जला के उनको स्वागत होता है। अनेक कसारियाँ, अनेक क्या और छोटे छोटे जीव सब मरते हैं। और भी इनसे रोग होते हैं, कसारी खाने में आ जाए, कसारी का बाल खाने में आ जाए तो कौन सा अपच हो जाता है, कोई चीटी खाने में आ जाए तो सब तरह के रोग एक एक शरीर में। ये जितनी बीमारियाँ होती है इन बीमारियों का मूल कारण रात्रि भोजन है। फिर वो एलोपैथिक दवाई लेता है, उससे गर्मी होती है, फिर उससे के समन के लिए फिर कोई दूसरी, तो वो पूरा एक शरीर जो है वो पूरा खोखला हो जाता है। और एकदम नेचुरल जिए कि भाई अपन नेचुरल माने कि सूर्यास्त के पहले पहले भोजन कर लें, जो कुछ खाना है सूर्यास्त के पहले खा लेंगे, सूर्यास्त के बाद इसको आराम करने के लिए देंगे। किसको? मशीन अच्छे से आराम से पचाए, थोड़ी देर इसको भी तो आराम करने को मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ भरते ही जाओ इसके अंदर, पचा आराम करेगी तो पचेगा खाना अच्छे से, थोड़ी देर इसको रेस्ट भी मिलेगा। और यदि हमने इसको निरंतर खाने में उपयोग में लिया तो ये मशीन चलेगी नहीं ज़्यादा देर। और विज्ञान का भी नियम है कि खाने में और सोने में कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो लोग कहते हैं हम 4 ही का तो रखते तो हैं, हम 1 बजे सोते हैं तो उसके लिए हम 9 बजे खाते हैं, 4 घंटे का अंतर लगता है। इनको मेंटेन किए हुए हमने सब कुछ। इन मेंटेन का मतलब ये नहीं कि 1 बजे सोना, 1 बजे सोते क्यों, 10 बजे सोना, 6 बजे तक फिनिश कर दूंगा। 1 बजे सो गए तो सुबह कब उठोगे, 9 बजे मंदिर कब आओगे, 10-11 बजे। मंदिर न पूजन पाठ का अवसर रहेगा, न कोई स्वाध्याय का, कोई कुछ नहीं मिलेगा। जाके ढोक लगाया आएगा और वापस घर आ जाएगा। पशु तुल्य जीवन है और कुछ नहीं। क्या तो इसलिए ये व्यवस्थित बेकार है मूल में। इसलिए ये अपना जीवन शैली अच्छी हो ना, व्यवस्थित, तो अपने को हर चीज़ के लिए समय मिलेगा। अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज, जल्दी सोएगा जल्दी उठेगा तो सारे काम जल्दी होंगे। इसलिए रात्रि भोजन जो है वो यूँ भी शरीर की दृष्टि से भी और अपने नैतिक जीवन की दृष्टि से भी अपने लिए करना नुकसान है। अभी अन्न का त्याग तो कर दो पहले सबसे, फिर अपन फरियाली की बात करेंगे। कई चीज़ें ऐसी हैं जो फरियाली के नाम पे ज़्यादा हिंसक है। जैसे एक चीज़ अपन ने बताई थी ना, साबूदाना, न गराड़ू न जो भी है। क्या वास्तव में रात्रि भोजन के त्याग का मतलब तो ये होता है कि सब प्रकार के भोजन का त्याग, सब प्रकार का भोजन कुछ नहीं। किसी को बहुत तकलीफ होवे तो वो पानी रख सकता है, बहुत तकलीफ होता है कि भाई मेरे शरीर को नहीं चलता, वो विलासिता की चीज़ नहीं है। बाकी अन्न खाना या भोजन करना, कोई भी वस्तु खाना, वो प्योर अपने लिए विलासिता की चीज़, विलासिता माने विषय भोग की चीज़, क्योंकि उसमें खाने में विषय भोग के अलावा तो कोई प्रयोजन है नहीं। बल्कि कई बार तो ये होता है कि आदमी अन्न नहीं खाता, कहता आज मेरा भोजन नहीं हुआ है तो कलाकंद, रबड़ी, पेड़े, कोई ठीक तो ही नहीं। बल्कि और दूध ओटोगे रात को तो उसमें जीव हिंसा कितनी होगी। इसलिए मूल में तो ये है कि सब चीज़ें ना भोजन करें ना पानी करें, लेकिन यदि अपने से पूरी तरह से नहीं छूटता रहो तो पानी रख के बाकी सब चीज़ों का तो त्याग कर ही देना चाहिए। और देखो इसमें भाव हिंसा क्या है, भाव हिंसा क्या है। द्रव्य हिंसा तो हो गई ना, द्रव्य हिंसा मतलब जीवों की हिंसा होती है। भाव हिंसा का मतलब है कि आसक्ति बहुत होती है इसमें। दिन के भोजन से रात्रि भोजन में राग की तीव्रता, क्योंकि वो स्वाभाविक भोजन नहीं, तो राग की तीव्रता होने से भाव हिंसा है। क्योंकि हिंसा की परिभाषा में अपन ने पढ़ा था कि आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति को ही हिंसा कहते हैं। 1 घंटे तक समझाया था अपन, राग भाव ही हिंसा है। तो रागादि की उत्पत्ति में जब हिंसा कह रहे हैं तो जहाँ तीव्र राग होगा वहाँ नियम से तीव्र हिंसा होगी। किसकी हिंसा, अपने परिणाम होगा, भाव की हिंसा। अपने भाव की मतलब अपनी जो शांति है, अपना जो शुद्धोपयोग है, अपना जो आनंद है, उसका घात है। राग की तीव्रता है ना, आसक्ति ज़्यादा है, युद्धता ज़्यादा है, इसको अन्न और मांस के समान की उपमा दी है। तुमने बताई थी ना, तो अन्न में और मांस में, तो मांस की आसक्ति ज़्यादा है, अन्न की आसक्ति कम है। ऐसे यहाँ पर रात्रि भोजन की आसक्ति ज़्यादा है, यानी खाने की और देह की आसक्ति ज़्यादा है। क्योंकि बिना आसक्ति के वो रात को क्यों खाएगा, जब दिन जब भोजन करने के लिए समय मिला है दिन में, और उसको छोड़ कर रात को करे। रात को भी मुँह चलता रहे, रात को भी निरंतर खाने को चाहिए, उसका मतलब है कि उसको विषय भोग की आसक्ति अत्यंत तीव्र है, देह के प्रति तीव्र राग है। बिना देह के तीव्र पोषण के कोई रात में खाना स्वीकार नहीं करे। चाहिए हमें हर टाइम पे चाहिए, पूरे टाइम मुँह चलते रहना चाहिए, एक समय भी मुँह बंद नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ कुछ। लोगों ने चीज़ बना रखी है ऐसे, क्या उन लोगों के लिए ऊँचे लोग ऊँची पसंद, सुबह से मुंह में चालू रहता है और शाम तक मुंह में रहता है, रात को भी सोएंगे तो मुंह में भरा रहेगा, पूरा शरीर एकदम ऐसा कर लेते हैं कि स्वयं घर वालों को भी एकदम क्या कहेंगे, पूरा अंदर से एकदम दांत वात सब सड़े जाते हैं। 24 घंटे खाना तो क्या करें, कौन सी चीज देवे, भाई अन्न देवे तो पटाख से मुंह आ जाएगी, गुलाब कोई भी चीज़ देवे आपको तो दे देगी, तो उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई खाते रहते, तेरे दांत भी सड़ते रहे, सड़ा सड़ा नहीं मजा करते, चबाते रहना, ना अंदर जाएगा और ना बाहर निकलेगा, अंदर ही अंदर घूमता रहेगा। तो तीव्र आसक्ति होने से सब काम होते हैं। स्वाभाविक भोजन जो है मतलब वो तो एक अपन ने 2 समय कर लिया, हो गया, पूरे टाइम भोजन करने की आदत होगी तो ये अपने को राहत को चाहिएगा। दूसरी बात है इसमें अत्याग करने की भावना है, हम त्याग नहीं कर सकते, जो कहता है मैं रात को भोजन नहीं छोड़ सकता, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर में इतना तीव्र खाने का परिणाम है कि 5 मिनट भी छोड़ने को तैयार नहीं, मतलब पूरे समय अंदर में खाने का भाव है ना, नहीं त्याग कर सकता, इसका मतलब ही है कि अंदर में खाने का भाव, तो पूरे समय खाने का भाव है तो कितना तीव्र राग है, कुछ भी मैंने ये 5 मिनट के लिए भी छोड़ नहीं सकता। देखो क्या हालत है इसकी, भाई रात्रि भोजन कह रहे हैं तो त्याग तो ही नहीं करा रहे, वास्तव में हम दिन का भोजन तो ही छुड़ा रहे हैं, आपसे तो ही मना कर रहे हैं कि आप भोजन छोड़ दो, भोजन तो करो लेकिन दिन में कर लो, बस भोजन नहीं छुड़ाया है, भोजन का केवल समय चेंज किया है, क्योंकि रात में जीव हिंसा अधिक होती है, शरीर के लिए नुकसानदायक, इसलिए अपन दिन में कर लें। तो जो आदमी रात को करता है इसका मतलब वो किसी प्रकार के त्याग को धारण करने में असफल है, जब वो रात्रि भोजन का ही त्याग नहीं कर रहा है तो बाकी त्याग की उससे संभावना ही क्या की जा सकती, क्या उससे अपन कह सकते हैं। और दूसरे त्यागों की बात कि तू ये भी छोड़ दे और ये भी छोड़ दे, तू दिग्व्रत धारण कर ले और अणुव्रत धारण कर ले और महाव्रत धारण कर ले, ये दिग्व्रत देश और गुणव्रत शिक्षा व्रत अणुव्रत मैंने आगे के जितने भी व्रत है, संयम है, सारे नियम है, वो उससे एक नहीं बन सकता, किससे, जिसके रात्रि भोजन का त्याग और उसका सारा व्रत संयम वो सब शोभा रूप भी नहीं है, वो भले कितने उपवास करे, 8 दिन के अंदर उपवास कर लो और पारने के दिन से रात को चालू, वो शोभास्पद नहीं होता, लोग ही कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अभी 8 दिन तक मत देखो इनको, अभी 90वें दिन देखना क्या है, इससे समझ आ जाएगा कि हमको मालूम है कौन सी जगह जाएंगे यार, तो वो उससे धर्म की भी निंदा होती है, धर्म उपहास का पात्र बनता है, क्योंकि पहले जो चीज़ है जिसको कहे अपन बेसिक चीज़ तो करे नहीं और ऊपर का चीज़ पालन, नीचे की चीज़ तो करे नहीं और ऊपर की चीज़ का पालन करे तो वो योग्य नहीं होता। अब इसने एक प्रश्न किया है कि दिन में ही भोजन का त्याग कर देना चाहिए, राग है ना, तो राग है तो दिन में ही करने का राग है, रात को भी राग है, तो क्यों ना दिन का ही त्याग किया जाए, रात को कर लें। तो कह रहे हैं दिन का भोजन तो स्वाभाविक है, जैसे अन्न का भोजन स्वाभाविक है, जैसे दिन का स्वाभाविक है, और रात का अस्वाभाविक है, जैसे मांस का भोजन अस्वाभाविक है, विशेष राग भाव से होता है, जैसे रात्रि भोजन विशेष राग भाव से, अस्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक तो अपने जब दिखेगा तो अपन खाएंगे, इतने बड़े मुँह में कोई चीज़ डालेंगे तो दिखना चाहिए ना क्या चीज़ डाल रहे हैं अपने मुँह में, तो दिखेगा ही नहीं तो डालेंगे कैसे, दिखना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए उसके ऊपर। अच्छा इसके अलावा आप देखो नियम तो 3 है, बहुत बढ़िया बढ़िया है, दिन में भी जहाँ प्रकाश ना हो वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, दिन में भी डीम लाइट में जाके, नीचे तलघर में बैठ के, कोई होटल में जाके, जहाँ बिल्कुल उजाला नहीं हो, उजाला हो तो बंद कर दो, सूर्य का भरपूर प्रकाश होना चाहिए, जैसे अपन अपने हाथ की लकीरें देख सकें, हाथ की लकीरें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, वही स्थान भोजन करने के योग्य है। और हाथ की लकीरें सूर्य के प्रकाश, इस प्रकाश में नहीं, हाथ की लकीरें जहाँ सूर्य के प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देती हो वो स्थान भोजन करने योग्य है, और वही स्थान भोजन बनाने के योग्य है। अपने रसोई घर में सूर्य का प्रकाश भरपूर आना चाहिए, ये वास्तु वास्तु कुछ नहीं है, वास्तु का मतलब सूर्य का प्रकाश अच्छा हो, तो जो अपना किचन होता है रसोई घर में सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक होना चाहिए, अच्छा भरपूर, और भोजन करने के स्थान में भी सूर्य का प्रकाश हो, तो सूर्य का प्रकाश होगा तो जीवोत्पत्ति नहीं होगी, जीवोत्पत्ति नहीं होगी तो कभी खाने में नहीं आएगी, और सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो जीवोत्पत्ति होना स्वाभाविक है। रसोई घर के अंदर अच्छे से उजाला है, जब भोजन करता हूँ वहाँ भी अच्छा सूर्य का प्रकाश है। और देखो क्या कहा, वर्षा ऋतु में जब प्रकाश ना हो, खूब बादल अंधेरा हो जाए एकदम, हाथ की लकीरें भी नहीं दिखाई दे, तो वो समय में भी भोजन करना योग्य नहीं है, वो भी रात्रि भोजन के तुल्य है। इसके लिए कहानी है स्वान की, शियार की कहानी है, सुन रखी होगी आपने। एक शियार था, उसने मुनिराज से रात्रि में भोजन पानी का त्याग का नियम लिया। अब क्या हुआ, एक बार उस सियाल को प्यास लगी, दिन के टाइम प्यास लगी, तो उसने देखा कि क्या करेंगे, तो उसको ठंडी ठंडी हवा लगी, तो उसने पता किया कि भाई यहाँ पास में कहीं बावड़ी, जिस दिशा से हवा आ रही थी उस दिशा से गया, तो वहाँ उसको एक बावड़ी दिखी, बावड़ी के अंदर गया। अब अंदर गया तो देखा तो बिल्कुल घुप अंधेरा, तो उसने कहा कि ये तो अपन सूर्य के मतलब अपन ने जो रात्रि भोजन का नियम ले रखा है उसके हिसाब से तो अपन यहाँ पानी नहीं पी सकते। तो ऊपर आ गया, ऊपर देखे तो सूर्य का प्रकाश, तो फिर नीचे गया, और फिर नीचे गया और फिर देखे तो यहाँ तो फिर अंधेरा है, फिर ऊपर आ गया। ऐसे अनेकों बार ऊपर नीचे होता रहा, तो पानी नहीं पिया, अंत में उसके प्राण निकल गए, पानी नहीं पिया उसने। तो ये तिरेंच लोग जो नियम पालते हैं वो तो ईमानदारी से पालते, तो दिखावा नहीं होता, छल कपट नहीं होता, और उसके आगे अच्छी गति हुई वहाँ। उसके बाद में तो उसका उत्थान ही उत्थान वाली कहानी है, तो वो इतने से नियम से जो उसका उत्थान चालू हुआ, आगे चल के वो मोक्ष मार्ग की उसको प्राप्ति हो गई, और आगे चलकर मोक्ष चला गया। रामचंद्र जी के जीवन की कथा आती है। रामचंद्र जी एक मतलब अपने नगर से आए हुए, वो बड़े दुखी थे, वो दुखी जा रहे थे रात को, तो रात को उनको जोर से प्यास लगी, तो उन्होंने देखा क्या है, तो जंगल में मुनिराज दिखाई दिया, उनके पास कमंडल था, तो वो उस कमंडल का जल जो है लेने लगे। तो वहाँ पास में एक श्रावक था, तो उसने कहा कि रात को तो कोई अमृत पिलाए तो वो भी पीने लायक नहीं है, तुम पानी की क्या बात करते। तो उसने कहा मेरे को प्यास तो बहुत लग रही है, तो उसने उसको धर्मोपदेश से उसको संबोधा कि देख भाई अनादिकाल से तूने क्या नहीं पिया है, तो उसको अच्छा धर्मामृत पिलाया, तो उसने नहीं पिया, और वो आगे चल के रामचंद्र जी का जीवन हो गया। प्रथमा नियोग में कहा, इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें अपने को बताती है कि जो तिर्यंच होते हैं, सामान्य मनुष्य होता है, वो जो लिए हुए नियम होता है उस पर अटल होता है, फिर वो किसी भी स्थिति में मृत्यु की कीमत पर भी उसको टालता नहीं, मतलब छोटा भी हो और किसी का बड़ा भी हो, लेकिन वो नियम भंग करने में उसको कोई भय नहीं लगता हो, तो उसका नियम ही नहीं हो। ऐसे रात्रि का बनाया हुआ भोजन वो दिन में करना भी रात्रि के तुल्य है, क्योंकि रात्रि का बनाया हुआ भोजन करना और रात्रि भोजन के समान, क्योंकि रात को बनाए हुए भोजन बहुत हिंसा है, और दिन का बनाया हुआ भी रात को नहीं खा सकते, रात का बनाया हुआ दिन में नहीं खा सकते, दिन का बनाया हुआ होना चाहिए और दिन में ही खाना चाहिए। अब इसमें आया है कि रात्रि भोजन त्याग में क्या क्या त्याग है, तो 4 प्रकार के आहार का त्याग करें, न स्वयं खिलावे न किसी को खिलावे, न स्वयं खावे न किसी को खिलावे, यहाँ तक कि कोई काम नहीं करे। देखो इसका वास्तविक नियम तो क्या है, पूरी तरह से जो पालन कर सकता है करना चाहिए, कि सूर्यास्त का इंतजार नहीं करें। अब समझ लो सूर्यास्त होता हो 6 बजे, तो ऐसा नहीं कि ये सीधे पौने 6 बजे तो आए, 6 में बिल्कुल 5 मिनट की देर और तब जाए, तो अब वो 6 में 5 मिनट की देर पे बैठा है, तो उसको 15 मिनट तो लगेंगे ना भोजन करने में, 7-8-10 मिनट तो लगेंगे, तो रात में जाएगा वो। अच्छा उसके अलावा अब अभी तो उसने भोजन किया है, अब उसका जो बच्चा कुचा है वो उसकी पत्नी को मिलने वाला था, तो पत्नी तो बाद में ही खाती है ना अपने देश की, तो अब वो बेचारी बाद में 10 मिनट बाद वो चालू करेगी, उसका तो रात को ही होएगा, और फिर उसका बच्चा कुचा नौकरानी को मिलेगा, जो बर्तन साफ करने वाली उसको मिलेगा, वो रात को खाएगी, और वो भी नहीं खाएगी तो वो और कहीं ले जाएगी तो वो खाएगा। अच्छा इसके अलावा जो बर्तन साफ होंगे वो रात को होंगे, सारा पानी डुलेगा रात को डुलेगा, सारा आरंभ सारा में रात को, एक केवल मुंह में डालने की क्रिया 5 मिनट पहले हो जाएगी, बाकी सारी प्रोसेस तो रात को हो रही है। तो कह रहे हैं प्रोसेस को आधे घंटे पहले शिफ्ट करो, आधे घंटे पहले से चालू करो। पुरुष वर्ग है वो सबसे पहले कम से कम रात्रि भोजन, रात्रि होने के आधा घंटा पहले भोजन कर लो। वैसे तो 48 मिनट का नियम दिया जिनवाणी कि एक मुहूर्त पहले अपना रात्रि भोजन अपना भोजन समाप्त करना चाहिए। कब? सूर्यास्त के एक मुहूर्त पहले, 48 मिनट पहले अपन खा लें, फिर उसके बाद में और घर वाले खाना उनको खा लें, मैंने सूर्यास्त तक सबका भोजन समाप्त हो जाए। और यहाँ तक कि किसी को देना भी है जो कुछ तो वो देना भी हो जाए, और बर्तन वगैरह भी जो साफ होना है वो भी सब हो जाए। मैंने चौके का ताला लग के और सूर्यास्त के पहले पहले अपन बाहर हो जाए तो वो सच्चा रात्रि भोजन त्याग है। और बाकी तो केवल एक नाम भर का है कि हाँ ठीक है भैया 6 बज रही है तो 6 बज के 5 मिनट बैठ गया कर लिया। तो ऐसी क्या आकुलता है जीवन में, 10-15 मिनट पहले करने के बाद क्या बिगड़ जाएगा? थोड़ा सा मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल क्या संभव है, क्या चीज़ नहीं। ताला लगाने का मतलब ताला मत लगाना आप, ताला लगाने का मेरा मतलब ऐसा का ऐसा नहीं, ताला लगाने का मतलब है कि वो काम बंद, मतलब अब आगे रसोई में जाने का काम कुछ नहीं। यदि अपने को चाहिए कुछ तो पानी निकाल कर पानी पिला। सच्ची चीज़ तो यही है, रात्रि में चौके में जाने से प्रयोजन क्या है? हॉल में फ्रिज तो कहीं भी रखो, फ्रिज जहाँ फ्रिज है वहाँ चौके ही है वो। तो ये सारे आलम का भी निषेध किया गया, न केवल खाने का। और क्या क्या नुकसान है इसके अंदर, ये आगे हिंसा आदि करने से हर भाव में नरक निगोद की प्राप्ति होती है। इसका फल जो है बहुत छोटा है, इतने जीवों की जो हिंसा करेगा प्रतिदिन तो वो नरक भी जाएगा तो कहाँ जाएगा, निगोद जाएगा, नरक जाएगा। और दिन रात आरंभ करेंगे तो परिवार में भी दुख बना रहता है, रात दिन खाने पीना, सब महिलाएं भी परेशान रहती हैं। सुबह से जो रसोई में लगती है तो रात से रसोई उनका जीवन ही रसोड़े में चले जाता। हाँ, जो भी मेहमान आए, जो भी हो, जिनकी मेहमान की जिनकी भी सेवा है तो वह सेवा ही करती रहेंगे। मैंने चार चंद शब्दों के पीछे महापाप करने को भी तैयार हो जाए, 4 शब्द मिल जाए उसको कि क्या बनाया है, रात को भी क्या बनाया है, इसके लिए तो वह ऐसी गुलामी करने को तैयार है। आप पूछिए नहीं, उससे अपना बहुत बुरा है, भयंकर बुरा है। यदि खिलाना है तो भैया तुम दिन में आ जाओ, जो खाना है वो खा लो, लेकिन रात्रि कुछ नहीं है। चाहे कोई भी आए, वो बेजी आए, चाहे कंवर साहब आए, चाहे कोई आए। इसलिए पहले लोग संबंध भी उनसे करते थे, पहले पूछते थे तुम दिन में खाते हो ना, रात को तो नहीं खाते, क्योंकि तुम आओगे और जाओगे, बाद में खिलाएंगे नहीं तो नाराज होगे, इसलिए पहले ही देख लेते हैं अपना। ऐसे लोगों से संबंध ही नहीं होता। अच्छा है कि जो लोग रात को भोजन करते हैं, क्योंकि उठना बैठना कैसे होगा उन लोगों के साथ। तो परिवार में भी दुख बना रहता है निरंतर। और धर्म सेवन, शास्त्राभ्यास, जाप, माने नमोकार की जाप, सामायिक, इन सब कार्यों के लिए समय नहीं होता। ये सब कार्य होते हैं रात को। सामायिक कब होगी? संध्या काल। ये स्वाध्याय कब होगा? इसी समय। जाप कब होगी? इसी समय। सारे काम होगी इसी समय होगी। और रात्रि भोजन के कोई व्रत तप नहीं होते। कितने 8 दिन के उपवास कर ले, 10 दिन के कर ले, कितने दिन के कर ले, उसका कोई ना व्रत है ना नियम है। क्योंकि पहले होता है यम, फिर होता है नियम। मैंने पहले अभक्ष का त्याग होता है और फिर भक्ष का त्याग होता है। अब हम अभक्ष का तो त्याग ही नहीं कर रहे हैं, और भक्ष का त्याग करने में लगे। मतलब अन्न आदि खाना दिन में हो तो भक्ष है, अभक्ष नहीं, वो खाने योग्य है। तो जो खाने योग्य उसका तो त्याग कर रहे हैं, और जो नहीं खाने योग्य वो खा रहे हैं। 355 दिन रात को खा रहे हैं और 10 दिन के उपवास तोड़ती है ना। अरे क्रम होता है ना हर चीज का, कि कोई कुछ भी हो। अब मैं एक कपड़ा तो ऊपर सूट पहन के आ जाऊँ और नीचे टाट पहन के आ जाऊँ और नीचे चप्पल पहन के, कोई शादी में चले जाऊँ तो लोग देखेंगे कैसे इन पर्सन। हर आदमी की दृष्टि जाएगी इस पर। ऐसे एक धर्म का आपको तो इतना ऊंचा पालता है कि बड़े बड़े मुनिराज भी नहीं पाल सकते, और एक काम ऐसा करता है कि हर आदमी को तो देखो इनको ये कहाँ है, जो सामान्य व्यक्ति भी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल योग्य नहीं, क्रमिक भी नहीं। और देखो इसका फल क्या बताया, रात्रि भोजन त्याग का फल आधे महीने का उपवास का फल है। 12 घंटे आपने नहीं खाया, शाम को 6 बजे से अगले सुबह दिन 6 बजे तक, मैंने सूर्यास्त के 48 मिनट पहले छोड़ा और सूर्योदय के 48 मिनट तक नहीं खाया, तो 12 घंटे का त्याग हो गया ना। तो महीने में आपने 15 दिन के उपवास तो यूँ ही कर लिए, 30 दिन में 15 दिन के उपवास हो गए, एक दिन का आधा उपवास, तो महीने भर का आधा महीना बिना कुछ किए, और साल भर में आधा साल उपवास हो। तुम 10 कर रहे हो तो आधा साल उपवास कर, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने रात्रि भोजन की बात करी। मूल में तो यही है भैया कि ये चीज कम से कम अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। सब कुछ एक तो स्वयं नहीं करना चाहिए, और न स्वयं सब कुछ छोड़ सके तो कम से कम एक जल को छोड़कर बाकी सब चीज़ों का तो त्याग, मतलब जल भी नहीं छोड़ सके तो जल को छोड़कर बाकी सब चीजों का तो त्याग उसके नियम से होना ही चाहिए। अन्न का तो त्याग सबसे पहले ही होना चाहिए, और रात्रि का बनाया हुआ भोजन ये बिल्कुल अयोग्य है। इसीलिए बाजार का जो भोजन है ये सब रात्रि का बनाया होता है, और इन सब में रात्रि भोजन का दोष लगता है। रसोइयों का भोजन सब रात का बनाया हुआ, मतलब आप विचार करो तो आपको पता चला कि रात्रि भोजन त्याग की कितनी बड़ी चीज है। वैसे तो जितना अपने से पले उतना अपन पालन करेंगे, जितना क्या पले वास्तव में तो जैनी का बेसिक नियम है। ये बात करना कि जितना पले, कोई व्यक्ति कहे कि मैंने तो अष्टमी 14 का नियम ले लिया पंडित जी बच्चन से, अरे ये यम थोड़ी नहीं, यम और नियम में अंतर है ना। अष्टमी 14 का उपवास का नियम होता है, अष्टमी 14 के रात्रि भोजन त्याग का नियम नहीं होता। अभक्ष चीज़ों का तो जीवन भर के त्याग करना होता क्या, और उसमें छूट नहीं जा सकती। फिर इतना छोड़ दो, इतना छोड़ दो, इतना छोड़ दो। कायदे से तो ये है कि रात्रि के अंदर समस्त प्रकार के भोजन और पानी का त्याग होना चाहिए, ये उत्कृष्ट उपदेश है। तो अपन इस सबका पालन करें, इसी भावना से आज की बात हम समाप्त करते हैं। अगली बार अपन अंचने पानी और देवदर्शन के ऊपर चर्चा करें।